बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम उम्मीद है कि आप सबके रेय से होंगे और आज की वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज़्यादातर क्वेश्चन जो आप पूछते हैं उनके जवाब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे तो वीडियो को एंड तक देखे अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी कर देना तो चले बिना किसी टाइम वेस्ट के करते हैं अपनी आज की वीडियो का स्टार्ट आज की वीडियो होगी एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप की जो कि स्प्रिंग ट्वेंटी ट्वेंटी एंड फॉल ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए अप्लाई करने के लिए स्कॉलरशिप है तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि स्कॉलरशिप के लिए किस टेस्ट होता है कि नहीं होता तो टेस्ट जो है वो नहीं होता सेकेंड क्वेश्चन जो है वो ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए तो नंबर वन जो है वो ये है कि न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट हो फॉर स्प्रिंग ट्वेंटी ट्वेंटी एंड फॉल ट्वेंटी ट्वेंटी उसके अलावा बी जो है वो सिक्योर्ड एडमिशन किया हो उसके अलावा थर्ड जो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि उन्होंने प्रोग्राम जो कर रहे हो वो अलाउड बाई एच सी ओ जो फोर है वो ये है कि मैक्सिमम एज जो है वो इज़ द सेम एज द मैक्सिमम एज टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम उसके अलावा थर्ड आपका क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू द फाइनेंशियल एड ऑफिस फाइनेंशियल एड ऑफिस में कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करवाने होते हैं तो सबसे पहले जो है वो कॉपी ऑफ सी एन आई सी या बेफाम ऑफ द एप्लीकेंट अब्बू के शनाती कार्ड की कॉपी सैलरी स्लिप फ़ादर या गॉर्डियन मदर की उसके अलावा कॉपी ऑफ लास्ट मंथ यूटिलिटी बिल की तो कॉपी ऑफ रेंट एग्रीमेंट अगर आप रेंट के हाउस में रह रहे हैं तो उसकी कॉपी कॉपी ऑफ लास्ट वीडियो ऑफ़ एप्लीकेंट और सिबलिंग्स अगर एप्लीकेबल हो तो उसके बाद जो है कॉपी ऑफ मेडिकल बिल्स एक्सपेंडिचर जितने भी आपके अख्रा जाते हैं उनकी कॉपी वन पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ ऑफ़ एप्लीकेंट अपनी वन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ उसके अलावा पिक्चर ऑफ हाउस पिक्चर ऑफ हाउस फ्रंट एलिवेशन की जो फोर है वो ये है कि हाउ टू एडिट कर द इन्फॉर्मेशन इफ़ एनी मिस्टेक करज वाइल फिलिंग टू ऑनलाइन कह रहा है अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फ़िल कर रहे हैं तो कोई मिस्टेक हो जाए तो क्या करना चाहिए प्लीज़ टेक प्रिंट आउट ऑफ द सब्मिटेड ऑनलाइन एग्जाम कह रहा है अपने सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रिंट आउट प्रिंट निकालना है प्रिंटेड फाम और जो प्रिंटेड फॉर्म है उसमें आपने चेंजेस करनी है उसके अलावा प्रूफ ऑफ चेंजेस इज़ आल्सो रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू द फाइनेंशियल एड ऑफिस एफ ईनि कि फाइनेंशियल एड ऑफिस में आपने प्रूफ के लिए दर्ज करनी है जो आपने चेंजेस की हैं उसके बाद फॉरीवा क्वेश्चन है कि आर स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन प्राइवेट सेक्टर्ड यूनिवर्सिटीज़ जो स्टूडेंट प्राइवेट सेक्टर्ड यूनिवर्सिटीज़ कर हैं वो एलिजिबल हैं तो प्राइवेट सेक्टर्ड यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूशन एफिलेटेड कम्पस आर नॉट अलाउड टू अपलाई फॉर एलिजिबल एहसास स्कॉलरशिप उसके बाद छठा जो क्वेश्चन है वो ये है कि गोर्नमेंट कॉलेज और एफिलेटेड कॉलेज वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं तो वो एलिजिबल नहीं है उसके अलावा जो सेवन क्वेश्चन है वो ये है कि और स्टूडेंट इवनिंग क्लासेज इवनिंग जो शिफ्ट में है वो अप्लाई कर सकते हैं तो इवनिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते उसके बाद आठवां जो है वो ये है कि किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि मैं थर्ड ईयर बैचलर डिग्री का स्टूडेंट हूँ या दो दो साल का मास्टर डिग्री प्रोग्राम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में तो क्या मैं एलिजिबल हूँ तो उसका ये है कि मास्टर एंड द नॉमन क्लैचर आर नॉट एलिजिबल इनके लिए ऐसे स्टूडेंट जो थ्री ईयर बैचलर डिग्री कर रहे हैं उसके अलावा जो टू ईयर मास्टर प्रोग्राम कर रहे हैं वो एलिजिबल नहीं है उसके बाद नाइन वाला क्वेश्चन है हाउ टू प्रोसीड फर्दर रिपब्लिकेंट्स मदर इज डिजीज्ड एंड हार्ट सी एन सी नंबर अगर मदर की मदर की डिजीज्ड हो जाती हैं तो क्या किसी और का आप आई डी कार्ड या सी एन सी लिख सकते हैं तो जी हाँ आप अपने फ़ादर ब्रदर या सिस्टर का लिख सकते हैं उसके बाद जो है इफ़ स्टूडेंट्स फादर इज़ रिटायर्ड अगर रिटायर्ड है जॉबलेस है लेबरर है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे फादर अगर फ़ादर रिटायर हैं तो कॉपी ऑफ पेंशन बुक या लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट तो अगर फ़ादर जो है वो एक मज़दूर हैं डेली वेज है शॉपकीपर है तो आपने जो है मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टैम्प पेपर जो है वो साथ में अटैच करना है उसके बाद जो है इफ़ फादर्स जॉब इज़ आउटसाइड पाकिस्तान अगर आपके वालद बैरून मल्क में काम कर रहे हैं तो उनके इनकम सर्टिफिकेट जो है वो करेंसी रिस्पेक्टिव कंट्र, कंट्री का जो है वो साथ आपने अटैच करना है उसके बाद अलेवन वाला क्वेश्चन है वाट इज़ द ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसेस हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसेस क्या है और कैसे अप्लाई करते हैं स्टेप वन जो है वो ऑल एलिजिबल अपलिकेंट्स जितनी भी तमाम तरह उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया आप उस पर पूरा उतरते हैं उसके बाद जो है स्टूडेंट्स में अप्लाई थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल एट वेबसाइट दिया है ए, 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 उसके अलावा स्टेप टू है कि फॉर्म जो है वो हार्ड कॉपी में हो नसेसरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनके साथ हो उसके अलावा जो है फाइनेंशियल हेड ऑफिस में सबमिटेड होने चाहिए उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन है ट्वेल्व वाला आई हैव फिल्ड द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मे आई सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ द फॉर्म कह रहा है कि मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फ़िल की है तो क्या मुझे हार्ड कॉपी देना होगी प्लीज़ डू नॉट सेंड हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा दिया तो अब आपको हार्ड कॉपी सबमिट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है इज़ रिवार स्कॉलरशिप ट्रांसफरेबल टू एनी अदर यूनिवर्सिटी अगर किसका ट्रांसफ़र हुआ है किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में तो वो नहीं होगा उसके अलावा व्हाट इज़ द लास्ट डेट ऑफ अप्लाई लास्ट डेट क्या है अप्लाई के लिए वो है अक्टूबर थर्टी ट्वेंटी ट्वेंटी इफ माय एप्लीकेशन इज सेव्ड एंड नॉट सबमिटेड विल इट बी कंसीडर्ड एप्लीकेशन इज द सेव्ड मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेबल कह है जो अगर एप्लीकेशन सेव्ड है सेव्ड मोड में है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी उसके बाद जो वो वो शिक्स, है वो सिक्स सिक्सटीन वाला क्वेश्चन है इफ़ आई एम एडिड स्कॉलरशिप वट आर द कंडीशन फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्कॉलरशिप कह रहा है कि अगर मुझे स्कॉलरशिप जो है वो अवार्डिड कर दी जाती है तो कौन सी कंडीशन है कि मेरी स्कॉलरशिप जारी रहेगी वो ये है कि स्कॉलरशिप फंडिंग शैल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट मैटर नए ने सेमेस्टर के लिए वो कंटिन्यू रहेगी उसके अलावा पर ईयर सब्जेक्ट टू तो दैन सेटिसफैक्ट्री अकेडमिक परफॉर्मेंस उसके लिए आपकी सैटिसफैक्ट्री अकैडमिक परफॉर्मेंस लाजमी होना है ज़रूरी है उसके बाद जो है लास्ट वाला क्वेश्चन है इफ़ हार्ड कॉपी ऑफ माई अप्लीकेशन फॉर्म हैज़ मिसिंग डॉक्यूमेंटेशन विल आई बी कंसिडर्ड फॉर एनी इंटरव्यू बाई द यूनिवर्सिटी सिलेक्शन पैनल इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इज़ एनी रिस्पेक्ट विल भी रिजेक्टेड अगर आपके इन कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है तो वो रिजेक्ट किया जा सकता है तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद है अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब लाजमी कर देना और हमारे चैनल लाइफ विद रजा को सब्सक्राइब कर देना साथ आगे घंटे के बटन को दबा देना ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके इन बॉक्स में बाहर से आ जाए कल मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ नई उम्मीद के साथ तब तक के लिए अपने और पे प्यारों का बहुत सख्या रखिएगा और हमारे साथ ऐसे ही बन रहे हैं अल्लाह हाफिज़